हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 8th की साइंस की बुक का चैप्टर 1 का फोर्थ वीडियो। ओके, थर्ड वीडियो में लास्ट में जहां पर एंड हुआ था उसके आगे इसका स्टार्ट करेंगे हम लोग। हम लोग जो प्रैक्टिसेस थी हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उन प्रैक्टिसेस को डिटेल में थोड़ा डीपली जाके पढ़ेंगे। पहली है सॉइल प्रिपरेशन, इट इज द फर्स्ट स्टेप। It anchors the roots of plants and provides oxygen. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो soil है उसको किस तरीके से तैयार करते हैं, ये पहला step होता है जिसके through plants को ज्यादा amount में oxygen मिट्टी से मिलती है। ठीक है, and provide oxygen, minerals, nutrients and water to the roots. ये सभी चीजें मिट्टी की तैयार करने से प्लांट को मिलती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्नेल्स, अर्थवर्म्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लिव इन द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। ये सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, स्नेल्स, अर्थवर्म एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लिव इन द सॉइल, जो मिट्टी में रह रहे हैं, ये उस मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। द क्वालिटी एंड याइल्ड ऑफ क्रॉप डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, जो फसल है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीजें डिपेंड करती हैं सॉइल के टाइप पर, कि वहां पर जमीन कैसी है। सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए 3 स्टेप मेन होते हैं। नंबर 1, प्लगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग, मीन्स खेत को जोतना। ठीक है, मतलब मिट्टी को ढीला करना, टर्निंग मतलब पलटना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई देन वाटर इज रिक्वायर्ड बिफोर द प्लगिंग। अगर ज्यादा जमीन सूख गई है तो उससे पहले पानी की जरूरत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं परेवट करना। ठीक है, बिफोर प्लगिंग इट मेक द सॉइल एरिएटेड, मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग। ठीक है, कुछ लोग आपने देखा उसमें खाद मिला देते हैं, या कुछ लोग अपना जब कोई बुवाई करनी हो उससे पहले हरी खाद वगैरह कर देते हैं, उसके ऊपर गोबर की खाद वगैरह डलवाते हैं ताकि जमीन हमारी उपजाऊ हो सके। ठीक है, लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप। जब मिट्टी ढीली हो जाएगी तो वो रूट्स को बड़ी आसानी से अंदर तक, गहराई तक जाने देती हैं। रूट्स कैन ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। रूट्स आसानी से उसमें ब्रीथ कर सकती हैं, आसानी से सांस ले सकती हैं। अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। जो बाकी अर्थवर्म्स वगैरह हो गए और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये उस मिट्टी को नीचे ढीला करते रहते हैं, पोला करते रहते हैं, जिससे कि उसमें आसानी से सांस ले सके। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जो जैसे कुछ पत्तियां आपने देखी होंगी सूख सूख के नीचे गिर जाती, कुछ प्लांट्स मर जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको सड़ा के गला के मिट्टी में ही मिला देते हैं, तो एज ए फर्टिलाइज काम करते हैं। ठीक है, एज ए फर्टिलाइजर्स काम करते हैं वो। एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वापस उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। एंड अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और द्वारा प्लांट से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। जो सबसे ऊपर वाली मिट्टी की लेयर होती है वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल bring the nutrient rich soil to top and plants can easily use these nutrients for their growth. ठीक है, जो टर्निंग और लूजनिंग प्रोसेस है जो सॉइल की, ये प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है, प्लगिंग इज डन बाय यूजिंग अ प्लग ड्रॉन बाय बुलक्स और ड्रॉन बाय अ ट्रैक्टर। पहले के जमाने में बैलों से खेती होती थी, कि बैलों से खेत जोते जाया करते थे, बट अब तो वो काम ट्रैक्टर कर रहे हैं।
प्लगिंग बाय ट्रैक्टर इज मच फास्टर एंड एफिशिएंट, ठीक है, उससे अच्छा पड़ता है, जल्दी भी होता है और सस्ता भी पड़ता है। प्लगिंग आर जनरली मेड ऑफ आयरन एंड वुड, जो प्लगिंग है या तो आपका ज्यादातर जो पहले हल बोलते थे उसको, अब तो आप देखते हैं कि वो कल्टीवेटर जो आते हैं जिसमें खुरपियां लगी होती हैं वो लोहे के बने होते हैं, पहले क्या था तो लकड़ी के बने होते थे और जिस हिस्से से जमीन में खोदा जाता था वहां पर एक आयरन का नुकीला टुकड़ा लगा, लोहे का एक टुकड़ा लगा रहता था, ठीक है। इन अर्लियर डेज इवन बोन्स एंड स्टोन्स आर यूज टू मेक प्लग, लेकिन प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो ये हड्डियों और पत्थरों से लोग जमीनों को जोता करते थे। टूल्स फॉर प्लगिंग, प्लगिंग के लिए टूल्स, वेरियस टूल्स लाइक प्लग, होई एंड कल्टीवेटर ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, जमीन को जोतने के सारे टूल्स है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल एंड इंक्रीजिंग द यील्ड बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। मीन्स इन सब चीजों को अगर हम यूज करते हैं मिट्टी को लूज करने में, कितना लूज करना है, कभी गहरा लगाना होता है, कभी कम लगाना होता है, कभी कभी लोग देखो आप जो सब्जियां वगैरह बोते हैं खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा गहराई तक नहीं उन्हें जाना होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, जो इंक्रीज करता है आपकी बीज के क्वांटिटी और क्वालिटी, मीन्स जो भी आप फसल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर इफेक्ट डालता है। अब आता है प्लग, ठीक है। वुडन प्लग इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, ये प्राचीन समय में यूज होता था, पुराने लोग अपना इसको यूज करते थे, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग, अब ये लोहे के आयरन प्लग से चेंज हो चुका है, ठीक है, जो हमारे कल्टीवेटर होते हैं। इट इज वेरी मच हेल्पफुल इन टिलिंग द सॉइल, ये सॉइल को खोदने में वो ढीला करने में बहुत ही फायदेमंद है। एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स टू द सॉइल, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एटसेट्रा, इन सभी प्रोसेस में ये इसकी हेल्प करता है जोतने में। कभी कभी आप देखते हैं बाजरा वगैरह जो होता है उसको हल्का सी खुरपी लगाई जाती है, ज्यादा नहीं लगाई जाती है, ठीक है, नराते हैं तो नहीं नरा पा रहे हैं तो हल्के हल्के कल्टीवेटर लगा देते हैं, उसके बाद वो वापस खड़ा हो जाता है, ठीक है। इन सारी प्रोसेस में इसको यूज करते हैं। इट इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ ऑक्सन, हॉर्सेस और कैमल्स एटसेट्रा, इट कंटेन्स टू पार्ट्स, इसके मेनली दो पार्ट्स हैं। देखिए, प्लग शेयर मेड बाय स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप एंड प्लग शाफ्ट, मतलब पीछे वाली जो रॉड है वो, ठीक है, वो लकड़ी की बनी होती है और उसके आगे जो नुकीला वाला हिस्सा है वो एक आयरन स्ट्रिप का बना होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अ लॉन्ग लॉन्ग लॉग ऑफ वुड हैविंग अ हैंडल एट वन एंड एंड अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द एनिमल्स नेक, ठीक है। हल्का जो दूसरा वाला हिस्सा था वो जानवर की गर्दन पे रखा जाता था, ठीक है, दोनों तरफ एक डंडा लगा होता था, वो जानवर गर्दन पे रखे रहते थे, जब वो बैल आगे चलते थे पीछे की तरफ से वो खुरपी जो थी जमीन पे किसान उसको दबाते हुए चलता था। वन पेयर ऑफ ऑक्सन एंड अ सिंगल मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग, एक होता था वो तो आसानी से उसको एक मैन उसे ऑपरेट कर लेता था, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।